भाई कितनी हो रखी पूरी भाई स्ट्रीट देखो भाई आगे थाली मंगा रखी है हमने कहा पहले एक थाली मंगाते हैं सामने बाबा का मंदिर है जो ट्रैक है ना बहुत ज्यादा ही तो भाई पूरा खराब हो रखा है पूरा पीछे से ना एक तो हाथ पाँव सब पूरे ठंडे हो रखे भाई फ़ोन के मतलब बैटरी थोड़ी लो है पावर बैंक चार्ज लिया और ना मैं चार्ज है और सामने बाबा का मंदिर है तो गाइस बहुत परीक्षा मतलब कठिन परीक्षा ली एकदम भाई क्योंकि ना जो ट्रैक है ना बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे खड़े हुए ट्रैक है और मौसम देखो गाइस पूरा खराब हो रखा है पूरा पीछे से फिलहाल तो भाई मंदिर के ना कपाट बंद हो रखे हैं 3 बज गए और शाम खुलेंगे तो शाम को मैं आपको सारे मतलब दर्शन तो करा सकता मतलब पूजा दिखाऊंगा आपको और बारिश भाई जो आपको और ना भाई बोलने में ना बोला जा रहा मेरे क्योंकि ना एक तो हाथ पाँव सब पूरे ठंडे हुए रखे भाई बारिश खूब हो रही है भाई देख रहा भाई कितनी हो रखी पूरी पूरा मंदिर भरा हुआ है ये देखो भीड़ देखो भाई भीड़ कितनी हो रखी है यहाँ का मौसम देखो भाई ऊपर बर्फ पड़ी है अभी है ना ये पहाड़ ना सारे मतलब इसमें बर्फ नहीं थी बिल्कुल भी और जब जैसे यहाँ पे बारिश हुई तो वहाँ पर बर्फ गिरी थी पूरी देख लो भाई कैसे पूरे बर्फ हो रखी है भाई पूरे में और उधर की साइड भाई मौसम खराब अभी भी हो रखा है कोई भरोसा नहीं कि भाई बारिश कब आ सकती है बारिश आएगी या बर्फ गिरेगी तो और बाबा जी की आरती शुरू हो चुकी है भाई Oh!
आगे मत कर आरती हो चुकी है और अंदर दर्शन हो गए। मैंने सोचा भाई कि सुबह दर्शन करूंगा बट अभी टाइम मिला और जल्दी में दर्शन कर लूंगा। भाई बहुत अच्छा लगा था, उनका आरती में बहुत बुरा लगा और मैं लाइव आया था इंस्टा पे, आपने देखा होगा, देखा होगा जिसने देख लिया होगा, सबको मैंने लाइव दिखा था मैंने, बाकी वीडियो में भी आपने देख लिया। अभी कपाट हो चुका है बंद, तो वैसे एक चीज देखनी पड़ेगी, पहले ना खूब बारिश होती दबा के एकदम, मतलब हम ना खड़े ना पाते, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता, मेरा ना थोड़ा गला बैठ गया था क्योंकि भाई चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ थी और बस। बट ना मंदिर में आके ना आप जैसे मंदिर का मंदिर देखोगे ना दूर से, आपके सारे हाथ पाँव जा रहा सब चीज़ ना टाइप रहेगा, मतलब कि ना एक वाइब ना अंदर से अच्छी वाली आती है। यहाँ पर कोई पता नहीं है, कब धूप कब एकदम से, जब मैं आया था उस समय धूप हो रखी थी, कोई मतलब बारिश वारिश कुछ नहीं थी, और जैसे ही अभी हमने टेंट वेंट लिया उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी, उसके बाद बारिश चलती रही, एक घंटा रुकी रही। अगर तुमने उधर देखा है तुमने भाई भीमशिला देखते भाई भीमशिला देखने के लिए, बाकी यहाँ से देखो भाई आप शायद आपको ना सुबह दिखाऊंगा भाई सुबह का व्यू। बताऊँ जब मैं आया था यहाँ पर तो उस समय बर्फ कुछ नहीं थी, बहुत कम बर्फ थी, और जब बारिश हुई ना तो ऊपर बर्फ थी और ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी, नीचे बारिश हो रही थी, और जैसे ही पूजा का टाइम हुआ वैसे भाई बारिश एकदम से रुकी। भाई मैं मान गया कि भाई जैसे पावर है भाई सब में, जैसे बोलते हैं मतलब कि कैसे बताऊँ आपको भाई कि पहले एकदम से ना खूब दबा के बारिश हुई थी, मैं हम बैठे रहते टेंट में, हमने कहा भाई पता नहीं बारिश रुकेगी रुकेगी, और कल आज फर्स्ट आरती थी यहाँ की केदारनाथ की, पहले नहीं थी, बाकी साथी काम होती खूब दबा के भाई भाई ऐसे भाई जंग में जा रहे हो जाए कर। तो अभी जाते हैं भाई भीमशिला देखने के लिए, देखते हो भाई एकदम अभी बहुत ठंडा हो रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जंगल में अभी तीन तक पहने हुए, तीन कपड़े पहने हुए, बाकी ऐसे कपाट तो सारे बंद हो गए। चलते हैं भाई मंदिर भाई देख लो, और अभी एक शिव मंदिर भी बनाया नया, अभी ये नया मंदिर का निर्माण हुआ है, ये री ये भीमशिला है जो आपको जस्ट बताऊँ कि मतलब जब आपदा आई थी तो इसने इसी पत्थर ने मंदिर को बचाया था, जब से नाम इसका भीमशिला पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ कुछ ऐसा व्यू है, लोगों ने अपने टेंट वाली लगा रखे पीछे, और सुबह एक शंकर भगवान की जय। क्या देखो चार पूछ रहा सीधा केदारनाथ का, और अभी तो कम है, अभी तो मतलब कम है, अभी इससे भी ज्यादा नीचे गिरेगा शायद, अभी तो भाई माइनस में जाएगा पूरा, अभी तो भाई रात में माइनस में जाएगा क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, तो दिन के समय 6 था, मतलब शाम के समय 3-4 बजे के समय 6 डिग्री था, और अब हो गया भाई कितना 4 हो गया ना, अब माइनस में चढ़ जाएगा, माइनस 2 पहुंच जाएगा, क्या कह रहा है। तो भाई कैसा लगा आपको भाई, कैसे लगी भाई आपको आरती यहाँ की, और कमेंट करके बताना कि कौन कहाँ से ब्लॉग देख रहा है, और कमेंट में हर महादेव जरूर लिखना भाई, ठीक है गाइस, ओके भाई। अभी आते हैं हम खाना खाने के लिए, और आपको ना यहाँ के रेट दिखाऊँ खाने के भाई, गाइस रेट देखो भाई यहाँ के, थाली मंगा रखी है हमने, कहा पहले एक थाली मंगाते हैं क्योंकि पता नहीं है, चार रोटी होगी, चावल, आलू नहीं आलू चने की सब्जी, और ये दो दाल है, तो खाते हैं उसके बाद।